तो यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट है। देखिए होता क्या था कि जब भी ये भर्तियां आती थी तो किसी ना किसी संस्था को दिया जाता था जो प्राइवेट एजेंसी को ऑफर आई जाती थी। उसके बाद क्या होता था कि कहीं ना कहीं नकल हो जाता था, या ये भी आ जाते थे कि पेपर लीक हो गया, या ये हो जाता था कि नकल वाले विद्यार्थी बहुत सारे पाए जाते थे। इसमें कहीं ना कहीं क्या होता था कि सिस्टम का नहीं खेल होता था, जो प्राइवेट एजेंसी जिनका भी होती थी जो भी लेते थे टेंडर वो सब ये करवाते थे। तो अभी क्या जो मतलब यूपी ट्रिपल एससी ने करा क्या है, हाईकोर्ट ने भी उठाया, लखनऊ हाईकोर्ट ने, हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कहा कि भविष्य में विधानसभा एवं विधान परिषद में जो तृतीय श्रेणी के पदों के लिए जो भर्तियां होगी वो यूपी ट्रिपल एससी के जरिए ही कराई जाएगी। अच्छा, अब यूपी ट्रिपल एससी के जरिए कराई जाएगी, यूपी ट्रिपल एससी भी बहुत लेट करा रहा है काम। ठीक है, पेट का एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद कोई अपडेट अब भर्ती नहीं है। लेखपाल देखिए अभी तक रिजल्ट नहीं दिया है, अदर एग्ज़ाम है, ठीक, तो ये अभी तक कोई इनने क्लियर नहीं कराया। यूपी ट्रिपल एससी का आपको मालूम ही होगा, सन 2016 में एक आई थी यूपी ट्रिपल एससी कंबाइंड टेक्निकल, 2023 में पेपर हुआ है, इतना इनने 7 साल तक ऐसे काम करा। ठीक है, तो जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं या तो बिल्कुल ही विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ है कि इतने साल, उसके बाद पेपर हुआ यूपी ट्रिपल एससी कंबाइंड टेक्निकल का, और वो भी उसमें भी 11,000 समथिंग लड़के संदिग्ध मतलब नकल करते हुए पाए गए। उसके बाद क्या कहा है कि मतलब जरिए कराई जाएगी, साथ ही कोर्ट ने सरकार को 3 माह की भर्तियों नियमों आवश्यक संशोधन के आदेश भी दे दिए। अब 3 माह के अंतर्गत संशोधन का मतलब वो तरीका कर दिया गया। ये आदेश जस्टिस जो हैं अपने दिनेश कुमार सिंह के एकल पीठ, सुशील कुमार एवं अन्य उसे दाखिल याचिका को खारिज करते हुए पारित किया गया है। अपने आदेश में कोर्ट यह भी स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया किसी भी चयन समिति अथवा प्राइवेट एजेंसी के हाथों में नहीं दी जाएगी। प्राइवेट एजेंसी के हाथों में पहले दी जा रही थी, अब नहीं दिया जाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि याचिका में विधान परिषद सचिवालय समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और अपर निजी सचिव समेत जो 11 कैडर्स के 99 रिक्त पदों पर की गई है वो निरस्त की जाने की मांग की गई थी। क्लियर, याचिका की ओर से दलील दी गई कि भर्ती प्रक्रिया में भाई भतीजावाद, पक्षपात, भाई भतीजावाद का मतलब है मान लीजिए हमारे सेंटर में पढ़ गया तो हम अपने भैया का, बाबू का और फलाने का, ढिमके का, सबका करवा देते थे। तो इस हिसाब से क्या हुआ कि मतलब अब ये सब नहीं चलेगा, अब क्या है सरकारी एजेंसी के हाथ में जाएगा। ठीक, तो ये भी देखते हैं कितना फेयर होगा, क्योंकि अभी तक जो दिया जा रहा था जिस हिसाब से दिया जा रहा था उसमें भी दिक्कतें थी, अब ये यूपी ट्रिपल एससी करवाएगा तो और देखिएगा कितना अच्छा होगा। उसके बाद क्या है कि नियम मतलब पक्षपात किया गया कि यह भी आरोप लगाएगा कि पुराने नियम के उलट भर्ती प्रक्रिया जिम्मेदारी चयन समिति को दी गई जिसने सचिवालय के तमाम करीबी अभ्यर्थियों का चयन किया गया। ये पेपर का न्यूज़ है, ये जो छपा था वो जो मैंने आपको बताया इस तरीके से हुआ है। तो अब ये जो आपकी एजेंसी होगी वो यूपी ट्रिपल एससी की तरफ सबमिट हो जाएगा, अब यूपी ट्रिपल एससी ही सब कुछ करवाएगा। ठीक, तो अब देखते हैं ये कितना फेयर है और कब ये रिजल्ट निकालेंगे। अभी लेखपाल का आपका बचा हुआ है, एक वीडियो का भी एग्ज़ाम में कोई क्लियर करा है, और ये आपका मतलब यूपी ट्रिपल एससी का कंबाइंड टेक्निकल का अदर एग्ज़ाम और भी हैं जो अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो देखते हैं अब ये क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए।